गुलबर्गा शहर की हागारगा रोड और रिंग रोड की खस्ता हालात पर गुलबर्गा एमपी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एमएलए एनएचएआई पीडब्ल्यूडी महानगर पालिके गैसकॉम और आरटीओ के खिलाफ जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। यह एहतजाज इतिहाद चौक से हागारगा सर्कल तक रैली की शक्ल में निकाला गया, जिसमें सिराज शाब्दी, खालिद अबरार, अजहर मुबारक, मुबीन और दीगर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों के साथ दीगर कई लोग यहाँ शिरकत कर नाराजगी जाहिर किए हैं। लगातार यहां सड़कें सही न होने की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हर रोज आवाम को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को देख इस एहतजाज के जरिए तमाम लोगों ने नाराजगी जाहिर की और एमपी राधाकृष्णा, एमएलए कनीस फातिमा और इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे के अलावा दीगर ऑफिशियल्स के नाकामियों को आवाम के सामने जाहिर कर इमीडिएट सड़कों को बनाने का मुतालिबा किया गया है। और इसके अलावा इस एहतजाज से जुड़ी मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। समझ रहे, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं वहां पर, 21 एक्सीडेंट हुए गुलबर्गा में, ये रिंग रोड पे 21 लोग, 21 पांच साल में 21 लोग मरे, किसी के बच्चे यतीम हो गए, किसी की माँ बहन बेवा हो गई, मगर ये लोगों को शर्म आना है, ये लोगों को शर्म नहीं तो डूब मरो, आवाज दो। ये घर का काम नहीं है, ये रोड का काम है। ये रोड क्या है, तुम्हारे बजट में रन दे या किसी के बजट में रन दे, आप गुलबर्गे के बड़े एमएलए हैं, आप आकर दो बात बोल कर इनको समझा कर जाइए। क्या है वो पानी का प्रॉब्लम से रोड खराब हो गई है, क्या इनको खाने के लिए नहीं मांग रहे और इनको घर रहने के लिए नहीं मांग रहे, अपनों के रोड के वजह से ये बात करने आई। और ये रोड है हागारगे की, हागारगे के मेंबर आपको बोलने के जगह है, हमारे गुलबर्गे के मेंबर पूरे मिलकर ये लोग को सहायता करने के लिए ये बात खत्म हो गई। तुम जहाँ से भी हो जल्द से जल्द आकर ये हमारे नौजवान बच्चों को समझौता बोल के वो बात करके जरूर जाना। बस भाई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, बस इतना जिले में हमारे माँ बहनों को जो है ना हिम्मत बोल के जो और बजट जो भी है पूरा बजट का जो है कर को नको जो बोले और सजावर कर को चले जाओ बोले हमारा राज तुम्हारा। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से आज यहाँ जनता परिवार की तमाम टीम और ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर मिलकर हागारगा और रिंग रोड के लेकर जो रोड के मसले चल रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट रखे हैं। देखिए कितनी अफसोस की बात है, जब रोड खराब है तो रोड खराब रहने के बाद तमाम लोग इसकी कंप्लेन करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, मगर जब रोड पर उतरने की बात आती है तो यहाँ पर बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पर उतरते हैं। खैर इस बात का गम नहीं है हमारे को, क्योंकि मुट्ठी पर लोग ही हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए, बाकी के लोग घरों में बैठ के होटलों में बैठ कर ही ये करे सर, मिट्टी पर लोग ही आज़ादी दिलाए सर। बहरहाल यहाँ पर एजेंडा बहुत क्लियर था हमारा हागारगा पे यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट का, कि ये जो नॉर्थ एमएलए यहाँ पर एक इनॉग्रेशन 3 महीने पहले इनॉग्रेशन की है, जहाँ पर हागारगा की जो खस्ता रोड है वो रोड का अप्रूवल लेकर आए बोलकर ये करे, उनके चाहने वाले ताशे बाजे बचा कर नाचम नाची करे सो भी करे, आज 3 महीने हो रहा, 3 महीने से इतनी लापरवाही की, 3 महीने से कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, कई सारे लोग गिर रहे हैं वहाँ पर, 4 स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, अगर खुदा ना करे कुछ बड़ा हादसा होता बच्चों के ऊपर कुछ आ जाती तो कौन जिम्मेदार लेगा इसका, क्या ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये चीजें नजर नहीं आते। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि ये टेंडर जिसको दिया गया है मीको ना एमईसी भाई को, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है बेंगलुरु की, उसके पास से वो पहले टेंडर को खारिज किया जाए, कानून भी इजाजत
इजाजत देता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वक्त पे फुलफिल नहीं करता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके पास से वापस लिया जा सकता और पीडब्ल्यूडी को इतने भी राइट्स है कि उसके लाइसेंस को बार भी कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस को कैंसिल किया जाए या गुलबर्ग के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स का भी लाइसेंस जब्त किया जाए और पीडब्ल्यूडी से इमीडिएटली अपने हाथ में लेकर ये काम को दुरुस्त किया जाए। देखिए ये जितने भी ये 21 जो एक्सीडेंट हुए ये एक्सीडेंट्स हो गया खतल ये नहीं हुआ, ये मर्डर है, ये खून वास है जिसके जिम्मेदार नॉर्थ MLA, इसके जिम्मेदार कॉरपोरेशन कमिश्नर है, उसका जिम्मेदार जिसकॉम है, उसका जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसका NHI है, इसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और MP भी इसका जिम्मेदार है। आप बताइए MP को सीट बचाना है, सीट बचाना है बोल के MP को जीता है, MP है कहाँ, राधा कृष्णा साहब है कहाँ? आज कांग्रेस का ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको कुछ काम निकालना रहा नहीं है कोई भी कांग्रेस के बड़े लीडर के बर्थडे का इंतजार करना, उसका अगर बर्थडे अगर आया तो आपको आई टेस्ट फ्री होगा, आपको ब्लड डोनेशन फ्री होगा, आपके रोडों पे खाना बटेंगा, बिस्तरे देंगे, तो बहुत सी चीज़ें करेंगे ना। अभी आलम प्रभु साहब का बर्थडे है, उनके लिए वजीफे का कैंप हो रहा, कास्ट का कैंप हो रहा, अरे बहुत चीज़ें हो रही। तो ये हालत हो गई गुलबर्गा में कि अगर आपको कोई फ़ायदा लेना है तो आपको कांग्रेस के किसी बड़े लीडर का बर्थडे का इंतज़ार करना पड़ता आपको, तो तभी आपका काम होगा, नहीं तो खाली टाइम पे तो काम नहीं होता। क्योंकि कमर उस्लाम साहब जो हमारे लीडर थे उनकी डेथ एनिवर्सरी को ये झूठा एक प्रोग्राम कर ने यहाँ पर प्रोग्राम कर बताया कि रोड का काम सेंशन हो गया, अब हम इमीडिएटली स्टार्ट करने वाले हैं बोलकर। कहाँ हुआ, 3 महीने हो गए यहाँ पर होकर, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से PWD डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, NHI डिपार्टमेंट, इन तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेकर काम को करने की जल्द से जल्द ये हमारी डिमांड है कि काम होना चाहिए इसके ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं है, कमरुल इस्लाम साहब जो थे वो बहुत ही बढ़िया लीडर थे, जो आवाम के बारे में सोचने वाले थे, हम खुद उन्हें अपना आइडल मानते हैं, पर फिलहाल जो नाम की सियासत चल रही है गुलबर्गा में वो कमरुल इस्लाम साहब के नाम को लेकर चली है। 18 सितंबर को जो वोटिंग हुई थी नोबल फंक्शन हॉल में वो इसलिए हुई थी कि उस दिन 18 सितंबर को कमरुल इस्लाम साहब का डेथ एनिवर्सरी था, तो पब्लिक में सिर्फ जो है ना सिंपथी लेने के लिए, उस नाम के लेकर सिंपथी लेने के लिए, पब्लिक पे जो है ना जज्बात करने के लिए और जज्बात में लाकर पब्लिक को बेखौफ बनाने के लिए ये वोटिंग की गई थी, जबकि काम अभी तक हुआ नहीं है। तो पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स है, पब्लिक की जो फीलिंग्स है, भले ही कमर उस्लाम साहब के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है अल्हम्दुलिल्लाह सभी पब्लिक में है, तो उस फीलिंग को हर्ट ना करें। अगर आपने उस दिन पर किसी काम का आगाज किया है तो उस काम को अंजाम तक भी पहुंचाना जो है कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं यहां पर जनता परिवार से सिराज शास्त्री साहब और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से गुलबर्गे में हर हिस्से पर आगे आकर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि गुलबर्गा में जितने भी एरिया में आप देखेंगे वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी है, लोग परेशान है, और खासकर जहाँ पर हागर का रोड, हागर का विलेज को जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 से 5 वहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं, कई बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे ऑटो में जब वहाँ पर जाते हैं, व्हीकल्स पे माँ बाप जब अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो कई वहाँ पर हादसे पेश आ रहे हैं, बच्चे वहाँ पर गिरने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई बसेस वहाँ पर जो है ना फंस गए हैं, कई बड़ी बड़ी व्हीकल्स वहाँ पर फंस गए हैं, ऑटो वहाँ पर फंस गए हैं, कई कंप्लेंट देने के बावजूद भी अफसोस की बात यह है आज तक वहाँ पर काम कंप्लीट होना तो दूर था, तो यहाँ पर इस तरह से ये एहतियात आज किया गया है, कोई कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई ऑफिसर यहाँ पर आकर इसकी बात सुनने के यहाँ पर तैयार नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है, आवाम को एक मैं यहाँ पर मैसेज देना चाह रहा हूँ किसी को भी आप अलर्ट कर रहे हैं चाहे कॉर्पोरेटर हो या एमएलए हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट देंगे तो इस तरह के हालात आपके सामने नजर नहीं आएंगे। आज का जो JP ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से जो एहतजाज रखा गया है, मैं तमाम JP ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों को और जिम्मेदारों को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस रोड की खस्ता हालत को देखते हुए, यहां लोगों की तकलीफ को देखते हुए इस प्रोटेस्ट का आगाज किया है। जितनी तकलीफ इस रोड पे, अब मैं जब यहां से वहां आ रहा था तो आधे घंटे के ऊपर तो मुझे 3 बजे ट्रैफिक लगा, ट्रैफिक पब्लिक ज्यादा होने की वजह से नहीं, रोड की खस्ता हालत की वजह से जो है ये ट्रैफिक, अगर हम सब रोड का काम होगा यहाँ पर तो यहाँ ट्रैफिक नहीं होगी। जिस तरह से हर 8 दिन में एक नौजवान की मौत होती है, इसके जिम्मेदार
ये रोड नहीं बने, एल एन टी डिपार्टमेंट, NHAI डिपार्टमेंट, MP, MLA, ये तमाम लोग हैं तो आज इस प्रोटेस्ट के जरिए से आगाज के कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इन रोडों का काम हो, यहाँ के जो रोड का काम मुकम्मल नहीं हो, रोडों का काम मुकम्मल हो, नालियों का काम हो, तमाम डेवलपमेंट के यहाँ पर काम होने चाहिए।